लाइक और सब्सक्राइब करने, भाई वीडियो को लाइक करो, चलो जल्दी जल्दी जिसने लाइक किया जल्दी जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। अब क्या हर दफा रोना ही पड़ेगा, पैर पटक पटक के सब्सक्राइब नहीं करना है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत बहुत शुक्रिया 3500 सब्सक्राइबर्स हमारे डन करने के लिए। ये देखें क्या जबरदस्त इसकी लेयरिंग आई है, देखें ठीक इसको जो है करते हैं, ये देखें ये जबरदस्त किस्म का हमारा क्राफ्ट है। आइए मुंह में डालिए। शाम के वक्त से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे पता है आप लोगों को किस चीज़ का इंतजार है, बताती हूँ मैं, थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही होगा, लेकिन उससे पहले जो है मुझे यहाँ पे कहना था कि समन जकी मेरी जान लव यू सिस्टर्स लव आमीन सुमा आमीन। और बहुत शुक्रिया यार तुमने दुआ दी, जजाक अल्लाह, लपक माइनस से भी बहुत अच्छे करें और तुम्हारी जो जर्नी जो है हैप्पी सक्सेसफुल रहे, आमीन सुमा आमीन। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे कहना करते हैं दिलजा शाह, दिलजा शाह इसकी पूरा जो आपने जो कुछ कमेंट किया है इसका पूरा जवाब मैं कल की वीडियो में जो है वो दे चुकी हूँ और अभी भी आपको थोड़े मतलब मौका कवर हो जाएगा, वैसे कल की वीडियो में मैं इसका आंसर पूरा कर चुकी हूँ। और नरेश खान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू सो मच, तुम्हें मेरी कुकिंग अच्छी लगी, थैंक यू सो मच इतने प्यार इतने लव इतने मोटिवेशन के लिए। और अरमान खान भैया आप हैदराबाद जो है चले गए, प्लान कर लिया हम तो कहीं नहीं जा सकते, चले जी आप चले गए, बात एक ही है। और आपने इंस्टा पे जो है वो मैंने देख लिया था कि मतलब हैदराबाद में वो बम्बई बेकरी आप नहीं ट्राई कर सके क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और भाई आप रहे और आपकी तबीयत अब कैसी है? मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे इस वक्त शरीर बुखार आ गया है। और दूसरी बात भाई हमने जो है लड़के वालों से जो है वो माजरत कर ली, एक्चुअली हुआ कि कल मैंने लेट नाइट स्टोरी लगाई थी डिज़र्ट बनाने के 4:50 में मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी, तो सर डिज़र्ट बना के मैं बेड पे गई, तो मैं बेड पे गई तो मुझे ऐसा लगा कि ब्लैंकेट, क्योंकि मैं मामा सास सोते हैं क्योंकि उन्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रहा, तो मैं बराबर में लेटूँ भी ना उन्हें नींद नहीं आती है, तो वो हिल रही थी तो मुझे लगा कि अभी तक सोई नहीं है, तो जब मैंने देखा तो वो रो रही थी तो बस ये देख के मैं समझ गई कि क्या बात है वो क्यों रो रही है। फिर खैर सबिका को भी हमने जगाया, वो जागी रही थी, वो तो मेरे बिना तो कोई सोता ही नहीं है, हम लोग दोनों लेटते हैं फिर सोते हैं, तो फिर खैर बात वगैरह हुई तो मैंने मतलब उन्हें हौसला दिया, उन्हें समझाया कि देखे मम्मा आज का 2024 है और बेटियां जो हैं वो बिल्कुल भी बोझ नहीं होती है। मेरे पापा को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मतलब वो आज की दुनिया की ऐसे रन नहीं कर, देखें अभी ठीक रहे सर्दी लगी, वो पुरानी सोच के मालिक हैं, होता है मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पुरानी सोच वालों के, तो मम्मा जो है ना हम लोग कितना ब्रॉड है, पापा जो है थोड़ा पुरानी सोच रखते हैं, उनको है कि बस बेटी जो है बस शादी कर दो नसीब जो है आगे काम करेगा, लेकिन आपको पता है 2024 है कि इसमें नसीब ज़्यादा काम नहीं करता, इसमें मेहनत ज़्यादा काम करती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब मैं अपने आप को मतलब नहीं समझ रही हूँ किसी कमी है मुझमें, कुछ भी कमी है, मैं अपने आप को परफेक्ट समझ रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें तो मतलब किसी को हक नहीं है ना कि आप मतलब मेरी इसको ज़बरदस्ती मुझे रियलाइज़ करना और कहें कि तुम यही डिज़र्व करती हो, तुम ऐसा है तो तुम यही डिज़र्व, तो ऐसा तो नहीं है। खैर मम्मा को जो है समझाया और सभी का भी जो है मम्मा के साथ वो हो गई और अभी तक वो थोड़ी अपसेट, अब इसको हम थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे पानी वानी डालेंगे ना पौधे को अपने, तो वो सेट हो जाएगी मेरी जान। तो भाई हमने जो है मामा ने जो है सुबह मतलब कॉल करके उन्होंने जो है मामा ने लड़के वालों से जो है वो माजरत कर ली। और किसी ने मुझे यहाँ पे कमेंट दिया तुमने कहा था ऐसा लग रहा है कि बात मतलब हो गई, तो भाई एक तरह से देखा जाए तो मुझे खुद कल ही पता चला कि बात एक तरह से अगर होता तो पक्की हो ही जाती क्योंकि उस तरफ जो है कोई मतलब ऑप्शन नहीं था इनकार का, तो वो डैनी तो क्या हो गया सही होना क्या हो गया सर बात ही करूँ, तो बस जी ये था कि हाँ हमने फ़ोन करके मामा ने फ़ोन करके उनसे बहुत ज़्यादा माजरा किया और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लाइक को समझा, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जो है आ रहे थे और बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए, मामा ने खैर माजरत कर ली, खैर थोड़ी से सब मामले निपट गए और भाई हमने जो है बहुत दिल से जो है उनसे माजरत कर ली। और फिर क्योंकि मीटअप का कोई फ़ायदा था नहीं हमने मामा, और बस यही बात है कि मतलब बेटियों को जो है ये मत समझें कि जो है नसीब करें, क्योंकि अब जो है नसीब काम नहीं करता है, अब आपकी मेहनत काम करती है, अल्लाह है, अल्लाह ने होश दिए हैं, ठिकाने लगाए हुए हैं होश के, अपना दिमाग चलाओ, तो इस तरह से मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो पुरानी सोच के मालिक हैं और बहुत सीधे आदमी हैं, कुछ स्वीडिश में पापा बहुत सीधे से मासूम से आदमी है, सीधे अब ये कह रही है कि जो बनाया है वो खिलाओ तो हम तो खाएंगे, तो चले फिर खाते हैं। और मुझे अभी उज्मा अब्रेस मैंने बता दिया क्या हुआ, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, और चले फिर चले 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 हम लोग स्वीडिश का, मुझे भाई बुखार हो रहा है, बुखार अभी मैं तो स्वीडिश से कुछ नहीं,
अभी ना भाई एंटीबायोटिक देगा, मेरा भी गला खराब हो रहा है, चले खाते हैं। जो है मम्मा गला खराब हो रहा है यहाँ पे, जो मम्मा को चना चाट भी बनाना था, तो चने जो रात में हमने भिगो दिया था, वो देखें दोनों बच्चे खेलने हैं हमारे, तो चना चाट बना दिया था, तो मैंने कहा चलो जी चने को फिर उबाल के रख देते, फिर किसी दिन चाट बना ही लूँगी, जो अब भिगो दिया था मैंने चने को, चलिए इसको उतारते हैं समोसे फ्राई कर। कल जो है मैं आपको ड्राइंग रूम क्लीन नहीं दिखा पाई थी भाई, पबजी की सफाई देख लीजिए, पबजी ने ये हुडी अभी सुबह हमारे बंदे ने डाल दी है यहाँ पे लाके, तो पबजी ने जो है बहुत अच्छे से जो है ड्राइंग रूम वगैरह हमारा क्लीन, देखिए क्लीन कर दिया था, और ये देखने क्लीन कर दिया था, और ये मशीन जो है कि हमें हटानी थी लेकिन अब ज़रूरत नहीं है हटाने की, और देख लें भाई ये पबजी ने सारी सफाई की थी, ये जब गेस्ट आने वाले तो ये दोनों चीज़ें हम हटा देते, और देखने भाई कितना प्यारा हमारा ड्राइंग रूम लगता है। पबजी दिल लगाती है ना, काम अच्छा करती है ना, ज़ोर से बोलना वीडियो में, बहुत अच्छा करती है पबजी, अच्छी इंसान है। मैंने समोसे रख दिए हैं इनको फ्राई होने के लिए, और मम्मा जो है गाजर का हलवा जो है भून रही है, कल जो है मैंने हाफ हलवा रखा था और हाफ जो है हमने खा लिया था, लेकिन मैंने जो है नहीं खा सकी थी, काम में इतना बिजी थी, तो अभी जो है मैं हलवे के साथ पूरा इंसाफ करूँगी। यहाँ पे जो समोसे फ्राई हो गए, मामा कह रही थी कि समोसे थोड़े से कम है तो और थोड़े से समोसे फ्राई कर लोगे, अभी जो है सब शाम की चाय पे हम लोग इसको इन्जॉय करने लगे हैं, तो इसी के लिए मैंने समोसे जो और डाले। अच्छा मैं आपको कल खोया नहीं दिखा पाई थी, काम बहुत था, सोचा नहीं दिखाया, देखिए ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे खरीदी, कलर भी बिल्कुल वैसे ही है, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था, सब फ्रोजन हो गया, ये देखें ये मैंने इसको निकाली, देखें बिल्कुल बाजार जैसा खोया हमने घर में बना लिया, इसको गाजर के हलवे में थोड़ा डाल दूँ, क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे हैं ना वो गाजर के हलवे में खोया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना खास ही है, मैं और डालूँ अलग से ले लेंगे, अलग इसी में डालो, अलग से लेंगे बच्चे, थोड़ा तो रहने दो, रह ही लेते हैं, ठीक है। और ये गाजर का हलवा भी रेडी हो गया इसको करने साइड पे, और कल जो मैंने केक बनाया था तो हाफ केक का तो मैंने ट्राइफल बना लिया था, सॉल्टेड ट्राइफल, और हाफ केक जो है वो मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे इसका स्लाइस कट करना था, तो चलें देख ले कितना ज़बरदस्त केक जो है वो बन गया है, कैमरा मैन फोकस ऑन, चलें केक अभी मैं आपको दिखा देना कितना अच्छा सा ब्रिस्क से सिर्फ बना है ये देखें, और ये ओवन में जो है उसमें चूल्हे पर जो है ये बेक हुआ है, तो इतने हम इसके इस तरह से स्लाइस जो है कट कर देते हैं और चाइनी कट कर लेते हैं। अभी हमें आपके साथ एक और सेलिब्रेशन शेयर करना है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, हमसे थोड़ा बिजी हो गए थे, मैंने कहा था उसके बाद करूंगी, तो चले जी बहुत बहुत शुक्रिया 3500 सब्सक्राइबर्स हमारे डन करने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू, तो उसका सेलिब्रेशन तो भाई बनता धूम धड़क्के से बनता है सेलिब्रेशन बनता है, तो अभी जो फिलहाल ये करते हैं, तो उस सेलिब्रेशन में क्या क्या डिशें बनेंगी, बहुत सारी डिशें बनाएंगे, बहुत सारी डिशें बनाएंगे, धमाल करेंगे और बहुत पता नहीं क्या क्या करेंगे, चलिए अभी सभी का क्या बनाएगी, सभी क्या बनाएगी, चलो सही है ये भी सही है। अच्छा ये देख ले हर चीज जो है, अब हम इसको इस पे टूट पड़ते हैं, ट्राइफल में दिखाती हूँ कितना जबरदस्त किस्म का ट्राइफल बनाए, तो प्याला दो मुझे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, और इसकी रेसिपी जो है आपने जरूर ट्राई करनी है, रेसिपी जो है कल 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 आ जाएगी, कल आ जाएगी सारा किचन में, किस तरफ से काटूँ, माँ कैमरा वोमैन कहाँ से आपको एंगल सही मिलेगा, आप इस तरफ आ जाएगी तो एंगल आपको सही मिलेगा, हमें एंगल भी देखना पड़ता है ना, एंगल ये देखें, इसको ऐसे काटते हैं और इसको वाह ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लेयरिंग आई है, देखें ठीक, इसको जो है करते हैं, ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा ट्राइफल, ये देखें खाइए मोमेंट डालिए, ये देखिए प्लेट ये रेडी करके ले आई सारी चीजें खा ली, पापा तो सब खा लिया, खाने से इनकार कर रहा है, खाना नहीं खाएंगे, कह रहे खाऊंगे मैं केक ना पूरा भर लिया मम्मा, अब मेरे गले में तकलीफ हो रही है भाई, यहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई और इतना केक जो है वो बच गया है, वो शायद रात तक ख़त्म हो जाएगा, ट्रैफल भी दिखाती हूँ कितना बचा है, जो है हमारा ट्रैफल बचा है, बहुत मज़ेदार ये बना था, मैं किचन में आ गई हूँ और साथ ही साथ मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और रात की खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि पापा ने तो खाना खाते इनकार कर दिया, लेकिन ये इनकार विनकार नहीं हुआ, ये लेट नाइट ना दो वो बजे ना भूख लगेगी, इन्हें कहेंगे खाना दो, तो कोफ्ते का जो है सालन बना रही हूँ, और इसके साथ साथ बात करते हैं, साइमा फैजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, पानी पिया है ना तो गले से फिर उतरा, और मुझे यहाँ पे ये कहना, अच्छा हम लोग की जो रूटीन है ना वो ये है कि हम ना बहनें जो हैं और मामा भी हैं भाई भी हैं,
हम लोग लेट नाइट सोते हैं, हम बहुत देर से सोते हैं। अच्छा जी, सोने की एक वजह ये भी है, लेट नाइट सोने की वजह ये भी है कि वीडियो एडिटिंग करना ये एक बहुत, मतलब आपको ही पता होगा कि एक मुश्किल तो नहीं कहेंगे, हमें इसमें अच्छा लगता है, ये एक थोड़ा प्रोसेस काम है, बट काफ़ी टाइम लेता है काम, वीडियो एडिट करना, फिर उसको अपलोडिंग का इंतज़ार करना, फिर सारी उसमें और सेटिंग शेटिंग जो होती है करवा के, फिर जो है हम लोग सोते हैं। तो सोते सोते 4 बज जाते, कभी 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, जाहिर सी बात है। फिर जो है सुबह हमें 7:30 बजे पापा के लिए उठना पड़ता है, भाई को ऑफिस भेजने के लिए उठना पड़ता है, हम लोग थोड़ी देर के उठते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं, हम जो दिन में हम थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि रात में हम बहुत देर से सोते हैं, हमारी नींद थोड़ी डिस्टर्ब है इस वजह से। तो हम लोग जो है तकरीबन जो है 1:30-2 बजे दोपहर तक हम सोकर जागते हैं, ये एक हमारी रूटीन सी बन गई, क्योंकि रात में हम 4 भी जल्दी नहीं सोते थे, इतना काम जो होता आता है ना, मतलब एडिटिंग वगैरह करना सब करना, तो इसलिए जो है चले भी खाना कोफ्ते का जो है सालन वगैरह हमने चढ़ा दिया है, लंच बॉयल हो गया है, और अब हम आपसे मिलेंगे खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। लाइक और सब्सक्राइब करने भाई, वीडियो को लाइक करो, चलो जल्दी जल्दी जिसने लाइक किया जल्दी जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, अब क्या हर दफा रोना ही पड़ेगा, पैर पटक पटक के सब्सक्राइब नहीं करना है, चलो जल्दी फटाफट 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 सब्सक्राइब करने चैनल को, और 3500 होने की खुशी में अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको मुबारक हो। तेज बुखार हो गया है और मेरा ये समझ नहीं आता है कि कोई भी आने वाला होता है, कोई भी मेहमान होता है, जैसे ये लड़की अपने आप को किचन में ना झोंक देती है, राइट वर्ड है, झोंक देती है, तो यही इसने किया, इतना काम इसने किया है ना कि थकावट से इसको बुखार आ गया, तो मम्मा ने उसको सुला दिया दवाई देकर, और हम लोगों को कहा है कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कहते हुए सोई थी कि वीडियो का एंड कर देना, तो मैंने कहा कि मैं कर दूँगी, तुम सो जाओ। और हाँ, सालन रोटी ऑफिशियल लव यू टू मारियो और मेरी दोनों की तरफ से आपको, और आपको क्यों ना डेडिकेट करें, आपकी बात क्यों ना माने, आप हमारे हर ब्लॉग देखते हो, आप हमें अच्छा गाइड करते हो, सब करते हो, तो वो करके ये, मतलब वो घर पे भी ये कर रही थी कि मुझे ऐसा कहा है, मम्मा को भी बता रही थी और ये चीज़ का ख्याल रख रही थी, तो थैंक यू सो मच सालन रोटी। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।